जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है संसार एक पागल खाना है वर्ल्ड इज लुनेटिक असाइलम असाइलम क्यों पागल खाना कहा गया असाइलम क्यों कहा गया लुनेटिक्स मतलब पागल पागल कहने का अर्थ क्या है वैसे तो पागल खाने होते हैं उसमें पागल कुछ रहते हैं लेकिन एक है संसार में आकर पागल होना संसार में आकर पागल होना क्यों होना आदमी बेवकूफ कैसे बनता है पागल कैसे बनता है तरह से बनता है कई बार बना दिया जाता है कई बार यह प्रकृति हमें पागल बना रही होती है या इसमें दोष प्रकृति का नहीं है शायद हमारा ही है कि हम समय पर इस प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं करते समय पर हम इस प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं करते कि वास्तव में प्रकृति क्या देना चाहती है क्या समझाना चाहती है हम समझना नहीं चाहते एक समय पर हम अपने आप को ही बहुत अधिक बुद्धिमान समझ रहे होते हैं यद्यपि अपने आप को बुद्धिमान समझना चालाक समझना यह भी प्रकृति की देन है कई बार प्रकृति ही हमें ऐसा एहसास करवा देती है शायद हम बहुत सामर्थ्यवान हैं बहुत समझदार हैं बहुत है, लेकिन जीवन बड़ा रहस्यमय है और बुद्धि की जो संपदा है वह मनुष्य से अधिक स्वयं प्रकृति के पास है तो पागल होने का अर्थ क्या है पागल होने का क्या अर्थ है कोई व्यक्ति उसे ना समझ में आए कोई बात या फिर समझते हुए भी वो ना समझे या फिर दूसरों की बातों में इतना बहक जाए कि सत्य को स्वीकार ही ना करे कुछ ऐसा एडिक्शन हो जाए कुछ ऐसा नशा हो जाए तो पागल क्या होता है जिसे जो एक धुन में सवार होता है और उसे पता नहीं क्या करना है वो एक धुन में ही सारे काम करता रहता है हर प्रश्न का एक ही जवाब उसके पास होता है वैसे तो कई संतों को भी पागल कहा गया कई योगियों को भी पागल पागल कहा गया कई बार तो कुछ योगियों को लोगों ने पगला बाबा नाम ही दे दिया पगला बाबा कोई ऐसे कोई संत फकीर हुए थे जिनका नाम पगला बाबा था सिख इतिहास में हम जब जाते हैं तो हमारे गुरुओं में एक गुरु हुए तेग बहादुर जी गुरु तेग बहादुर जी उनका नाम था पहले का कमला तेगा कमला मतलब पागल कमला हो जाना कमली हो जाना पंजाबी के अंदर सनक जाना थोड़ा सा पगला जाना फन लोग ऐसा भी मानते हैं तो पागल हो जाना संत योगी भी थोड़े से पागल होते हैं दिखाई देते हैं उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है वो कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे लगेगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लगेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो पागल होना सही चीज के लिए आदमी पागल हो जाए तो अच्छी बात है बुरी चीज के लिए पागल हो तो ठीक नहीं है जो चीज जैसे समझनी चाहिए वैसे ना समझ में आए तो ये स्वामी विवेकानंद का ये कोटेशन है द वर्ल्ड इज असाइलम यह संसार जो है वो एक पागल खाना है लोग यहां पर पागल हैं, कोई धन के पीछे पागल है कोई रिश्तों के पीछे पागल है कोई मान सम्मान के पीछे पागल है कोई यश के पीछे पागल है तो अनेक तरीके से लोग पागल हैं और पागलों वाला जीवन जी रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्यों कहा कि संसार ये पागलों पागल खाना की तरह है क्यों कहा ऐसा क्योंकि लोग अपना जीवन ज्यादातर जीवन भ्रम में जीते हैं भ्रम टूटने में कई बार टाइम लग जाता है बहुत समय लग जाता है भ्रम टूटने में एक उम्र में आदमी जो समझ रहा होता है बाद में पता चलता है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं आदमी सोच रहा होता है एक लड़का सोच रहा होता है कि भाई मेरी अच्छी सी नौकरी आ जाएगी हैंडसम सैलरी आएगी और अच्छी शादी हो जाएगी अपने मनपसंद की लड़की से फिर तो मौज ही मौज है लेकिन सब हो जाता है अच्छी नौकरी लग गई सैलरी भी हो गई जिस लड़की को सबसे ज्यादा पसंद किया वो लड़की भी मिल गई शादी भी हो गई लेकिन फिर भी मौज नहीं हुई समस्या यहां पर आती है कि मौज ना आई जिंदगी में उसके तो उसको फील होता है कि मैं तो पागल बन गया मैं तो बड़ा पागल सा था जो मैं ऐसा सोचता था सारी चीजें आ गई पैसा भी आ गया शादी भी लेकिन फिर भी जो मौज मैं सोचता था कि मौज आ जाएगी जिंदगी बड़ी मस्त हो जाएगी वो मस्ती तो नहीं उतरी अभी तक वो मौज तो अभी तक नहीं आया इसका मतलब यह है कि जिन चीजों के लिए मैं सोचता था कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा वैसा हुआ नहीं तो फिर उससे फील होता है कि मैं पागल बन गया मैं मूर्खों की तरह सोचता था मैं पागलों की तरह सोचता था मैं मूर्खों की तरह सोचता था मैं पागलों की तरह सोचता था फिर उसे समझ में आना शुरू होगा फिर उसे रियलाइज होगा लेकिन कई बार उस समय भी रियलाइज नहीं होता फिर और कोशिश में लगा रहता चलो ये सब कर लिया मौज नहीं आई तो कुछ और करते हैं अब बड़ी सी महंगी गाड़ी खरीदते हैं बंगला खरीदते हैं फिर शायद मौज आ जाएगी मौज उसके बाद भी नहीं आई मौज तो उसके बाद भी नहीं आई तो मनुष्य पागल बनता रहता है कि नहीं बनता रहता है ये माया उसे पागल बनाती रहती है मृग मरीचिका मृग मरीचिका है मृग मरीचिका क्या है माया मच्छिन्द्रा जब मच्छिंद्र नाथ ने अपनी माया फेरी तो उनके शिष्य बड़े संशयग्रस्त हो गए भाई ये गुरु जी क्या कर रहे हैं इसलिए मच्छिंद्रनाथ की माया गोरखनाथ भी संशय में आ गए थे उसी को कहते हैं माया मच्छिंद्रा मृग का अर्थात मृग तृष्णा ज्यो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही वैसे घटघट राम बसत है दुनिया बूझे नाही जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही कस्तूरी तो मृग के नाभी में है लेकिन वो वनों में ढूंढता है घास में ढूंढ एक सुगंधी कहां से आ रही है किसी फूल से आ रही है किसी घास से आ रही है वन के सौंदर्य को उजाड़ता फिरता रहता है लेकिन सुगंधी उसके अपने ही भीतर से आ रही है सुगंधी उसके अपने ही भीतर से आ रही है उसे यह समझ में नहीं आ रहा है उसे अपने भीतर जाने का रास्ता ही नहीं पता उसे बाहर दौड़ने का रास्ता पता है तो उसके जीवन में ना बाहर का सुख ना भीतर का सुख और जिसने जान लिया कि सुगंधी कहां से आती है मस्ती कहां से आती है आनंद का आनंद का फुहारा कहां से फूटता है जिसने जान लिया उसके लिए भीतर भी मस्ती है और उसके लिए बाहर भी मस्ती है बाहर का संसार भी उसे सुखी करता है बाहर का संसार भी उसे सुखी ही करता है तो जीवन में हमें यह समझना है ये तो पागल बनते जाएंगे संसार पागल बनाता रहेगा कई बार समय निकल जाता है बहुत कुछ फिर बाद में समझ आकर भी कई बार लाभ नहीं उठाते लोग तो व्यक्ति अनेकों प्रकार से अपने आप को सुखी करने में व्यस्त है लगा हुआ है लेकिन फिर भी असंतोष घेरा रहता है उसको दुख घेरा रहता है उसको अशांति घेरी रहती है उसको सुखी नहीं होता शांत नहीं हो पाता तो संसार यहां पर पागल कौन बनाता है कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था थोड़ा सा मंद बुद्धि तो वो पहले से ही था और उसके मित्र कुछ शराबी मित्र एक बार मित्रों ने सोचा कि आधा पागल तो ये ऐसे ही हैं, इसको पूरा पागल ही बना देते हैं आधा पागल तो ये ऐसे ही हैं इसको पूरा पागल ही कर देते हैं तो मित्रों ने इसको खूब शराब पिलाई खूब शराब पिलाई नशा उसे भी पसंद था ताकि फ्री में मिल रहा है पी लो उसने खूब पी ली अब खूब शराब पी ली और शराब पीने के पास उसके मित्रों ने देखा कि अब इसको चढ़ गई है पूरी तरह से चढ़ गई है हम जो बोलेंगे मानेगा करेगा और हमने पिलाई है तो हमारी बात तो मानेगा ही माने उसने अपने मित्र सब मित्रों ने जाकर उससे कहा कि अरे भाई सुनो अभी अभी फोन आया तुम्हारे घर में बहुत दुखद घटना घट गट गई है तुम्हारे घर में बहुत दुखद घटना घट गट गई है उसने कहा कि बताओ क्या घटना घट गट गई है उसके मित्रों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई है अब वो नशे में धुत उसने कहा कि मेरी पत्नी विधवा हो गई मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं हाय मेरी पत्नी कैसे विधवा हो गई रोने लगा रोने लगा एक पिलर था ताकि चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं घर छोड़ने गए रास्ते में रुक गया कि नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा अपनी पत्नी का दुख मेरी पत्नी भला कैसे विधवा हो गई एक पेड़ को पकड़ लिया और पेड़ के पेड़ को पकड़कर रोने लगा चिल्लाने लगा कि हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई सुबह हो गई लेकिन नशा तो टूटा लेकिन अभी तक उसी विचारधारा में है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई अरे भाई जब तक तू मरा नहीं तब तक तेरी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है लेकिन उसे नहीं समझ में आ रही बात कुछ लोग आए रास्ते में पड़ा हुआ नशे में धुत चिल्ला रहा है रो रहा है कि हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई रास्ते से जाते हुए लोगों ने सोचा मित्र तो उसको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए तो क्योंकि उनका उद्देश्य था इसको पूरा पागल बना देना है इनका उद्देश्य था इसको पूरा पागल बना देना है तो पूरा पागल बना दो अब वो रोने लगा कि मेरी पत्नी कुछ लोगों ने सुना उसे समझाया कि भाई कैसे संभव है जब तुम जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है जब तुम जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे विधवा हो सकती है उसने कहा कि नहीं बात तो तुम ठीक कह रहे हो जब मैं जीवित हूं तो मेरी पत्नी कैसे विधवा हो सकती लेकिन मेरे मित्र जिन्होंने कल रात को इतनी महंगी शराब पिलाई है वो झूठ नहीं बोल सकते मेरे मित्र जिन्होंने रात को इतनी महंगी शराब पिलाई है वो कभी झूठ नहीं बोल सकते मेरी पत्नी जरूर विधवा हो गई है फिर लोगों ने कहा कि कैसे जब तुम जिंदा हो जीवित हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे विधवा हो सकती नहीं मेरे मित्र झूठ थोड़ी ना बोलेंगे महंगी दारू उन्होंने पिलाई है मुझे रात भर पिलाई है वो झूठ नहीं बोल सकते मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो लेकिन वो भी झूठ नहीं बोल सकते वो सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं उनको मैं गलत नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे दारू पिलाई है फ्री में दारू पिलाई है तो मेरी पत्नी विधवा हो गई है अगर वो कह रहे हैं हो गई है तो हो गई है अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे पागल कहोगे जो भी उस रास्ते से गुजरता उसकी बातें सुनता कि हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई जो ऐसे कह रहा है वो पागल ही तो है जी हाँ ये मित्र कौन है यह संसार हमें अपनी बात का विश्वास दिलाता है आदमी धोखा खाता है सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा बड़ा मौज आएगा बड़ी मस्ती आएगी जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा वो सोचता है इस प्रकार से लेकिन उसे मिलता नहीं है और मिलता नहीं है तो वो पागल बनता है लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं सुख आएगा जीवन में ये जो संसार है ये झूठ थोड़ी ना बोल रहा है मेरे मित्र झूठ थोड़ी ना बोल है। रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई इतना ये ये यहां पैसा इन्वेस्ट कर ये आ जाएगा यहां पैसा इन्वेस्ट कर आजकल ना लोगों के पास फोन आता है फोन क्या आता है आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या कुछ भी आप यूज करते हैं पेमेंट करते हैं खर्चा करते हैं आपको बैंक वाले फोन करेंगे कि सर आपका इतना खर्च हो रहा है क्रेडिट कार्ड से आप इसको ईएमआई पर करवा लीजिए थोड़े थोड़े पैसे कटेंगे छह महीने में कटेंगे साल भर में कटेंगे आजकल बैंक वाले लोन देने के लिए पकड़ रहे हैं लोगों को लो लोन लो हम देते हैं लोन लो लोन लो लोन लो, लो, लो आपको लगता है कि वाह बिना मांगे मिल रहा है बिना मांगे ही मिल रहा है अरे सेंध मारना चाहते हैं आपके खाते में आपको लग रहा है छोटा छोटा कटेगा लेकिन जितना पूरा कटेगा उसमें तो आप लॉस में ही जाने वाले हो फायदे में थोड़ी ना जाने वाले हो तो भीड़ पड़ी हुई है पागल बनाने वालों की कोई कैसे पागल बना रहा है कोई कैसे पागल बना रहा है कभी नहीं है दुनिया में पागल बनाने वालों की तो आदमी को लगता है कि नहीं दुनिया मौज ले रही है अरे आपके नजरों में ना सारे सुखी दिखाई देते हैं समस्या यही है हम बाहर से बस दूसरों की बड़ी बड़ी गाड़ियां और दूसरों के बड़े बड़े बंगले ही देखते हैं भाई उसके पास इतना पैसा उसके पास इतना नेम फेम अरे तुम्हें क्या पता कि कितना दुख है कुछ लोग तो यश को देखकर बड़े लालची होते हैं कि उसके जीवन में इतना यश है उसके जीवन में इतना मान सम्मान देखो दुनिया उसके पीछे भाग रही है आपको नहीं पता फेमस होने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है प्रसिद्धि की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है बहुत बड़ा बंधन है यश बहुत बड़ा बंधन है मान सम्मान और जिनको जल्दी प्राप्त होता है वो जल्दी इस बात का एहसास कर लेते हैं महसूस कर लेते हैं कि हाँ इसमें तो बड़ी दिक्कत है फेमस हो जाने में बाहर से तो लगता है कि फलाना व्यक्ति बहुत फेमस है तो बड़ा मस्त है उसकी लाइफ लेकिन कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वही जानता है जो फेमस हो जाता है पहले तो उसको भी मज़ा आता है लेकिन बाद में कीमत भी चुकानी पड़ती है क्योंकि प्रकृति हर चीज़ की कीमत लेती है कुछ भी नहीं छोड़ती यह प्रकृति का सिद्धांत इससे बड़ा कोई व्यापारी नहीं होगा यह हर चीज की कीमत लेती है खींच खींच कर लेती है और आप मना भी नहीं कर सकते आप रोक भी नहीं सकते सिर्फ योगियों को छोड़ दीजिए योगी क्या करते हैं माया सबके साथ छल करती है योगी माया के साथ छल कर जाते हैं योगी माया सबके साथ छल करेगी लेकिन जो योगी है वो माया के साथ ही छल कर जाते हैं वो माया के साथ ही छल कर जाते हैं लेकिन छल चलता रहेगा रुकेगा नहीं पागल ही तो है मनुष्य जो तो स्वामी जी कहते हैं यही विधि हरि आश्रित रह यद्यपि असत्य देत दुख अहि जो सपने से काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई दुख कैसे है जैसे स्वप्न में भी सिर काट रहा हो स्वप्न में सिर काटना कैसे दुख दूर होगा जब स्वप्न से जाग जाओगे निद्रा से उठोगे तो दुख दूर हो जाएगा दुख दूर करने का यही तो उपाय है दूसरा कोई उपाय भी नहीं है आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य का अनुभव संसार में अनुभव कैसा है जैसे रस्सी में सर्प का दिखाई देना उसका चाहे भय हो चाहे सांसारिक सुख हो दोनों ही भ्रम में है उसे पूरी चीज दिखाई ही नहीं देती है उसे आधी अधूरी चीजें दिखाई देती हैं और उसी आधी अधूरी चीजों पर वो अपना निर्णय लेता है और वैसा ही जीवन जीता है फिर पछताता है इतना दुख क्यों है जीवन में पश्चाताप के आंसू फिर रोता भी है पछताता भी है कि संसार में इतना दुख क्यों है संसार में इतना दुख क्यों है और संसार में इतना सुख क्यों है दिखाई देता है दूसरों का सुख और अपना दुख तो मनुष्य इसी तरह से पागल बनता रहता है कि शायद सुखी हो जाएगा शायद आज सुखी हो जाएगा शायद कल सुखी हो जाएगा शायद अब सुखी हो जाएगा शायद तब सुखी हो जाएगा शायद अब संतोष मिल जाएगा पूर्ण आनंद मिल जाएगा लेकिन नहीं सिलसिला चलता ही रहता है धोखा खाता है कई बार फिर भी नहीं समझता कुछ लोग समझते हैं कि भाई जितने हमने जितना हमने जीवन में सोचा था हमने वस्तुओं को तो प्राप्त किया लेकिन फिर भी उस प्रकार से सुख को नहीं प्राप्त किया जैसा हमने सोचा था नहीं मिला क्योंकि जागृत सुख है नहीं ऐसी बात नहीं सुख तो है लेकिन मिलता नहीं है मिलता क्यों नहीं है क्योंकि आपको लेना नहीं आता सुख ग्रहण करना नहीं आता अगर वो आ जाए तो मनुष्य पागल ना बने उसके साथ छल ना हो इसीलिए माया को जग ठगनी कहा सबको ठगने वाली सबको ये फील करवा देती है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा सुख आ जाएगा ऐसा कर लो वैसा कर लो तुम्हारे जीवन में बड़ा सुख आ जाएगा ऐसा वैसा कर लो अत्यंत सुखी हो जाओगे लेकिन फिर भी नहीं हो पाता मनुष्य और दुखी होता रहता है तो क्या कहा जाए पागल ही तो कहा जाए तो संपूर्ण संसार एक पागल खाना है पागल खाना है भटकता रहता है मनुष्य तीन गुणों के परिवर्तनशीलता में कभी सतोगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण हावी होते हैं अलग अलग सपने दिखाते हैं अलग अलग इमेजिनेशंस क्रिएट होती हैं मनुष्य सोचता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा उस तरह से हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा उस तरह ऐसे सोचने में ही अपना जीवन बिता देता है मिलता कुछ भी नहीं है अंत में कोल्हू के बेल के समान बैल जो है घूमता रहता है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि मुझे घुमाया जा रहा है गोल 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 एक ही जगह पे घुमाया जा रहा है तो वो चलेगा ही नहीं तो कोल्हू के बैल के पर आंखों की पट्टी बांध अब तो कोल्हू के बैल चलते नहीं है मशीनों का युग आ गया लेकिन पहले जो कोल्हू के बैल थे उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी एक चश्मा पहना दिया जाता था उनको ताकि उनको कुछ दिखे ही ना अब वो घूमना उनको घुमाया जाता था वो चलना शुरू करते थे गोल गोल घूमते थे कोलू भी घूमता था और तेल निकाला जाता था सरसों का या किसी चीज़ का तेल निकालने का काम कोलू में होता था अब जो है बैल घूमता रहता था सुबह से शाम हो जाती घूम जाता वो सुबह से शाम हो जाती और वो घूम जाता वो सोचता रहता कि शायद मैं बहुत दूर आ गया हूं 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 लेकिन जब उसकी आंखों पर से पट्टी हटती उसका चश्मा उठाया जाता हटाया जाता तो बैल देखता कि मैं जहां सुबह खड़ा था आज भी वहीं पर खड़ा हूं जहां से चला था मैं वहीं का वहीं हूं कहीं नहीं पहुंचा मैं तो कोई प्राप्ति नहीं हुई कोई अनुभव नहीं कोई नई जगह नहीं इतना चलने के बाद भी वहीं का वहीं कई बार मनुष्य भी यही अनुभव करता है कि तृष्णा का तृष्णा बीस साल पहले भी वही था बीस साल बाद भी तृष्णा में हूं तृष्णाएं तो पूर्ण नहीं हो रही हैं इसलिए महाराज भर्तहरि ने कहा कि तृष्णा न जड़ना वयमेव जिड़ना तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती उल्टा यह शरीर ही जीर्ण हो जाया करता या शरीर ही जीर्ण हो जाया करता है इसीलिए स्वामी जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद संसार एक पागल खाना है मनुष्य पागल बनता रहता है यह माया उसे पागल बना के रखती है और कब तक पागल बना के रखेगी कब तक पागल बना के रखेगी जब तक आप मूड़ भूमि में है चित्त की भूमियां जो बताई गई मूड़ भूमि क्षिप्त भूमि विक्षिप्त भूमि इन तीन अवस्थाओं में जब तक आप जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में हैं आप पागल बनते रहेंगे जब तक आप मूल भूमि में हैं क्षिप्त भूमि में है विक्षिप्त भूमि में है आप पागल बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे जब तक आप क्षिप्त विक्षिप्त मूल भूमि में हैं पागल बनते रहेंगे कमोगुण हावी रहेगा रजोगुण हावी कभी सतोगुण हावी लेकिन जब आप एकाग्र भूमि में चले जाएंगे जब आप तूरिया अवस्था में चले जाएंगे जब आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर उठकर इन सब के प्रति साक्षी भाव आपके अंदर आ जाएगा और आप तूरिया अवस्था में चले जाएंगे सारा पागलपन दूर हो जाएगा सारा पागलपन वहां रह जाएगा वहां कोई पागलपन नहीं रहेगा और आप पागलपन से मुक्त हो जाएंगे सारा पागलपन आपका नष्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने पागलपन की बात की तो वास्तव में इस पागलपन से मुक्ति का मार्ग क्या है इस पागलपन से मुक्ति का यही मार्ग है कि हम अपनी चेतना को विकसित करें हमें रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है संसार ऐसे ही दिखाई दे रहा है भ्रम के सा भ्रम के मानिंद यह संसार दिखाई दे रहा है भ्रम की तरह लगता है कि बड़ा सुख है फिर कभी कभी लगता है कि बड़ा दुख है फिर कभी कभी लगता है कि बड़ा सुख है इसलिए सांग के सूत्र कहता है या बुद्ध के चार आर्य सत्य कहते हैं कि संसार दुखमय है सांग के सूत्रों में भी लिखा है संसार दुखमय है क्यों दुखमय है क्योंकि भ्रम पैदा करता है जब संसार भ्रम नहीं पैदा करेगा तो दुख नहीं होगा और इसके लिए दुख ना हो भ्रम ना पैदा हो थोड़ी सी अपनी चेतना का विकास कीजिए डेवलप कीजिए अपने आप को इवॉल्व कीजिए इवॉल्व योर कॉन्शियसनेस डेवलप योर कॉन्शियसनेस तो अपने आप भ्रम दूर होगा प्रसादनम होगा चित्त की प्रसन्नता आएगी और भ्रम जो है आपका दूर होना शुरू हो जाएगा तो भ्रम को दूर करना है और ऊपर निकलना है इस पागलपन की अवस्था से ऊपर उठना है जहां पर ये माया छल करती है और पागल बनाती है इस अवस्था से अगर ऊपर उठना है ध्यान योग का कोर्स करिए इवॉल्व करिए अपने आप को स्टार्टिंग फ्रॉम 20 जुलाई 2023, duration ट्वेंटी month, ड्यूरेशन वन मंथ गाइडेड मेडिटेशन Contact मेडिटेशन मेंबरशिप कॉन्टैक्ट नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पे कांटेक्ट करें नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन व्हाट्सएप मैसेज करें इस नंबर पर आपको डिटेल्स दिया जाएगा कि कैसे कोर्सेज को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर कर आप इस इस पर डिटेल मांगे आप रिक्वेस्ट करें आपको डिटेल दे दिया जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिए हुए डिटेल के अनुसार तो ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए नहीं तो फिलोसफी दर्शन का कोर्स दर्शन का कोर्स है फिलोसफी का कोर्स है 20 जुलाई से यह भी शुरू हो रहा है ग्यारह सौ रुपए ऑनलाइन रुपीज इलेवन हंड्रेड स्टार्ट डेट 20 जुलाई विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच इसमें दोनों अप्रोच हैं इंडियन फिलोसफी भी है और वेस्टर्न फिलोसफी भी है दोनों फिलोसफीज का एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा फिलॉसफिस बहुत कुछ बताती हैं जीवन के बारे में संसार के बारे में सत्य के बारे में वास्तव में संसार का सत्य क्या है जीवन का सत्य क्या है प्रकृति का रहस्य क्या है ये दर्शन का कोर्स आपको बहुत सारी बातें बताएगा लेकिन इनफॉर्मेटिव वे में बताएगा ध्यान योग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है ध्यान योग इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी प्रयोगात्मक अध्यात्म है ये व्यवहारिक अध्यात्म जो हमारे प्रैक्टिस में आनी चाहिए सिर्फ विचारों से सब कुछ नहीं हो जाएगा हाँ विचारों से संस्कार बनेंगे विचारों से प्रेरणाएं मिलेंगी लेकिन रेगुलर ध्यान योग का अभ्यास प्रतिदिन ध्यान योग का अभ्यास आपको परिपक्व करेगा आपको जीवन जीने का बेहतर ढंग प्रदान करेगा वास्तव में कोई ढंग नहीं प्रदान करेगा आपका विवेक जागृत करेगा ध्यान योग का कोर्स जिससे कि आप बेहतर जीवन जी सकें और निरंतर ध्यान योग का अभ्यास आपकी चेतना का विकास करेगा आपको एनलाइटन करेगा आपको इवॉल्व करेगा आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाएगी आपकी चेतना विकसित हो जाएगी और आप बहुत दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करेंगे संसार को सत्य को समझ पाएंगे इसीलिए यह ध्यान युग का कोर्स प्रत्येक महीने होता है 20 जुलाई से इस महीने में है साथ में फिलोस्कल्पिक चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान आपको बीमारियों से लड़ने में अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा यह कोर्स भी 20 जुलाई से शुरू होगा आप इसको भी ज्वाइन कर सकते तो अब ध्यान देंगे आपकी कमेंट्स पर क्या कहते हैं आपके कमेंट्स आपके टिप्पणियाँ संतोष कुमार जी बहुत अभिनंदन है नाथ जी नरेंद्र माकोडे जी एके के त्यागी जी चितरंजन बरुया अप अवनी प्रधान कीरथ दास साहू गोविंद प्रसाद नीमा विनोद के सूद ऊषा श्रीवास्तव जी योगेश खैरनर कृता राय सिन्हा चंद्र मौर्य कन्हाई कुमार जी शिखर शर्मा जी राम विलास जी कमलेशन जी रजत रतन सिंह जी रूपलाल विश्वकर्मा जी घनश्याम सरोदे सतीश मास्टर राम विलास जी धन्यवाद भारत हीरा यादव पवन कुमार गुप्ता राम शर्मा दीपक शर्मा जी पुष्पा शर्मा जी बहुत अभिनंदन है दयानंद जी संसार के सभी प्राणी अपना अपना कर्म कर रहे हैं लेकिन मनुष्य अपना कर्म क्यों नहीं कर रहा वो आप दुनिया के पीछे इतना पागल क्यों है सभी पागल हैं। संसार के प्राणी भी भ्रमित हैं वो भी बेचारे माया के दिए हुए भ्रम बंधन में है। माया का बंधन क्या है भ्रम ही बंधन है। मनुष्य के पास साधन है कि वो योग करे क्योंकि उसे मनुष्य जीवन योग करने के लिए मिला है तो होगा प्रकृति के वशीभूत लेकिन जीवन योग करने के लिए मनुष्य का शरीर योग करने के लिए मिला है वो योग करे दिनेश भाई डाभी बसवराज भी सिद्धेश्वर दीपक शर्मा जी एक नया नया योगी जो मन के वशीभूत होकर भोग करता है वो भोग को छोड़ नहीं पा रहा और साथ ध्यान योग भी साथ लगातार करते रहता है तो एक समय बाद मन उसके काबू आ जाएगा या ध्यान योग असफल हो जाएगा अब ध्यान योग असफल तो नहीं होगा लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए उसको मिलने में समय ज्यादा लगेगा भोगों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन ध्यान की उम्र बहुत ज्यादा होती है ध्यान भोग कितने दिन भोग लोगे शरीर शिथिल पड़ जाएंगे लेकिन ध्यान तो फिर भी होगा ना ध्यान तो वैसी क्रिया है जो मरते दम तक हो जाएगा आप छोड़िए भोगों की कहानी क्या है जब तक शरीर स्वस्थ है शरीर की स्थिति जहां बिगड़ेगी भोग वहीं रुकने शुरू हो जाते हैं मन में रहेंगे लेकिन शरीर से कर नहीं पाओगे शरीर साथ ही नहीं देगा कि आप भोग कर पाओ बीमारियां ऐसी पकड़ लेती है मनुष्य को लेकिन ध्यान योग तो फिर भी होगा ना ध्यान योग तो अंत तक होगा नया योगी जो कि भोग भी कर रहा है मन से और ध्यान योग भी कर रहा है जी हां अभी तो उसको वैसे ही चलना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा अपनी मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपने आप को बार बार अपने आप से बात करना पड़ेगा वैसे अपने आप से बात करना बहुत अच्छी चीज नहीं है मेंटल डिसऑर्डर की तरह इसको देखते हैं माना जाता है अगर व्यर्थ में अपने आप से आदमी बात करे लेकिन समय निकालिए और अपने आप से बात करिए फिर क्या होगा और देखिए कि मैं तो भोगों में लिप्त हूं भोग मुझे परेशान कर रहे हैं भोगों को नई दिशा दीजिए जब नई दिशा मिलेगी तो वो भोग भी नुकसान नहीं पहुंचाते कई बार लेकिन अगर मन अनकंट्रोल्ड है और अनावश्यक रूप से भोग हो रहा है तो वो नुकसान पहुंचाएगा वो चेतना का जो विकास होना चाहिए जिस गति से उस गति से तो नहीं होगा लेकिन भोग भोगना भी सच पूछो तो एक कला है सबको भोग भोगना नहीं आता सबको खाना खाना नहीं आता अगर आता तो लो लोग बीमार नहीं पड़ते लोगों को डायबिटीज ना होता अगर उन्हें भोजन करना आता चलिए ठीक है बीमारियां फिर भी हो जाती हैं लेकिन भोजन करना भी एक कला है सही समय पर सही मात्रा में सही स्वाद के साथ भोजन करने के लिए मना नहीं किया गया लेकिन तरीके से संभल कर विवेक से तो अगर विवेकपूर्ण भोगों को भोगा जाए तो वहां पर तो आपका हनन हो रहा है आपकी ऊर्जा का हनन हो रहा है आपकी चेतना गिर रही है लेकिन जिसकी बुद्धि विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हो लेकिन कई बार हम भोजन ऐसे करते हैं कि बीमारियां देने लग जाती हैं हम तो अपने मनपसंद से खाना चाहते हैं ना लेकिन विवेक का प्रयोग आदमी करे खाने पीने में तो निश्चय ही स्वस्थ रहेगा वैसे ही संसार के अन्य भोग भी हैं अगर उसमें विवेक का प्रयोग हो और भोगों को मैनेज किया जाए हो सकता है कि वो भोग आपका नुकसान करने के बजाय आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर दे लेकिन अगर मन के सामने मजबूर है माया के सामने मजबूर है और अनायास ही भोगों को भोगे जा रहा है तो वो उसके लिए ठीक नहीं यहां दिक्कत आ सकता है हां लेकिन ध्यान योग निरंतर करता रहे तो धीरे धीरे भोग वृत्ति में कमी आ जाएगी ध्यान योग का अभ्यास निरंतर चलता रहे तो धीरे धीरे भोग वृत्ति में कमी आ जाएगी ये बात समझना है राठौर विक्रम भाई जी व्यास सिंह जी प्रेम सागर यादव जी किशोर वैद्य जी बहुत अभिनंदन गोविंद प्रसाद कोरी जी नूतन भट्ट जी ए के भट्ट जी देखें और सुने विषयों में तृष्णा त्यागने का अभ्यास करें बिल्कुल योग सूत्र रूपलाल विश्वकर्मा जी योग वशिष्ठ पर चर्चा नहीं करते क्योंकि योग वशिष्ठ कथाओं से भरा हुआ है उसकी जो शैली है वो पुराणों की शैली है तो आपको पूरी कथा सुननी पड़ेगी वहां तार्किक बातें थोड़ी कम हो जाएंगी हां योग वशिष्ठ के ऊपर एक चर्चा हम कर चुके हैं योग वशिष्ठ की सप्त योग वशिष्ट के कुछ कुछ विषय हैं जो आत्मज्ञान और योग से संबंधित हैं वैसे योग को ही समझाया जा रहा है लेकिन उसमें काग भूसंडी जी की कथा है दूसरी अन्य कथाएं हैं तो वो कथा के हिसाब से सुनना पड़ेगा फिर आपको हाँ योग वशिष्ट का कुछ विषय है जैसे आधी और व्याधि है अभी सुना देंगे योग वाशिष्ठ आधी व्याधि के बारे में क्या समझाता है योग वासिष्ठ में सप्त भूमियों की चर्चा है योग वासिष्ठ में अष्टांग योग की चर्चा है तो जो उसका दार्शनिक पक्ष है या मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसके बारे में आपको सुना देंगे लेकिन अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो फिर बात अलग हो जाएगी ये कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूं बता चुका हूं और योग वाशिष्ट ये योग वासिष्ठ शुरू कैसे होता है जब भगवान राम की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है वशिष्ठ आश्रम में और वो घर जाने लग जाते हैं और महर्षि वशिष्ठ उनको कहते हैं कि भाई अब आपको घर जाना है आपको राजगद्दी भी संभालनी पड़ेगी आगे चलकर और आपको जो है हो सकता है कि आपका विवाह होगा परिवार होगा तो वहां पर भगवान राम वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं कि ये सब संसार बसाने का क्या उद्देश्य है जब संसार दुखमय है तो मैं संसार क्यों बसाऊं विवाह क्यों करूं गृहस्थ में क्यों जाऊं मेरी तो इच्छा होती है कि मैं सब कुछ त्याग कर वन के अंदर तपस्या में लीन हो जाऊं ध्यान में लीन हो जाऊं आत्मानंद को प्राप्त कर लूं। भगवान राम ये इच्छा रखते हैं वशिष्ठ के सामने और जब ऐसी इच्छा रखते हैं कि संसार में कोई कर्म करने की इच्छा नहीं है जैसे अर्जुन ने कहा कि कोई कर्म मुझे नहीं करना है लेकिन राम और अर्जुन में बहुत बड़ा अंतर है अर्जुन कोई सिद्ध योगी नहीं है श्री रामचंद्र एक सिद्ध योगी हैं इसलिए श्री राम का चरित्र क्या है सिद्ध योगी वाला चरित्र है कृष्ण का चरित्र भी सिद्ध योगी वाला है लेकिन आपने राम में बस इतना पकड़ा कि राम ने परिवार बसाया और अपनी एक पत्नी के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया राम को तो ना पत्नी से आ सकती ना पिता से आ सकती ना किसी से आ सकती वो तो संसार बसाना ही नहीं चाहते थे लेकिन कर्म करना पड़ता है वशिष्ठ चाहते हैं कि तुम अपना ही अकेले कल्याण करना चाहते हो तुम्हारे माध्यम से ना जाने कितनों का कल्याण होना है अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो लोगों का कल्याण कैसे होगा कुछ करना नहीं चाहता अर्जुन भी यही कहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी दोनों की अवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है एक सिद्ध योगी है और एक योगी भी नहीं है उसमें तो योगी बनना है अर्जुन कृष्ण अर्जुन को योगी बना रहे हैं लेकिन राम योगी बन चुके हैं योग की पराकाष्ठा को स्पर्श कर चुके हैं और वो कहते हैं कि मैं लीन होना चाहता हूं साधना में मुझे संसार नहीं बसाना मुझे राजपाठ नहीं संभालना मुझे ये सब संसारी कर्म नहीं करने ना ही मुझे यश की कोई चिंता है ना मान सम्मान की मैं तो बस आत्मानंद में परमानंद में लीन हो जाऊंगा और जब संसार सत्य है नहीं तो यह सब करने की आवश्यकता क्या है अब वशिष्ठ जी समझाते हैं योग रहस्य समझाते हैं और कर्म का रहस्य समझाते हैं नहीं कर्म करने का क्या महत्व तो है अपने लिए नहीं तो कई बार दूसरों के लिए और खासकर जो योगी पुरुष हैं जो अवतारी पुरुष हैं उनके तो कर्म ही दूसरों के लिए होते हैं उनकी तो लीला ही दूसरों के लिए होती है तो यह संसार माया इसमें कैसे कर्म करना है कैसे जीवन को जीना चाहिए योग वासिष्ठ में इसी का वर्णन है लगभग वही बात जो श्रीमद भगवत गीता या अद्वैत सिद्धांत या आदिगुरु शंकराचार्य के विवेक चुड़ाम में जो वर्णन मिलता है और योग वासिष्ठ है योग शास्त्र है योग वासिष्ठ को अद्वैत शास्त्र भी माना गया है योग शास्त्र भी माना गया है ठीक है तो इस तरह से कई विषय हैं जो कुछ आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए हैं लेकिन फिर भी रानी चुड़ाला की कहानी है काग भुसंडी की कहानी है कथाएं कथाओं से भरा हुआ है तो जो पुराणों का जो एक तरह से संगठन होता है या संरचना होती है पुरानी या स्मृति ग्रंथों की संरचना होती है उसी आधार पर योग वशिष्ठ की भी रचना हुई है स्मृति ग्रंथों के आधार पर सूत्र नहीं लिखे वहां पर वहां पर सूत्र नहीं लिखे गए हैं कथाएं लिखी गई हैं और फिर कथाओं के माध्यम से योग रहस्य और कई बातों को रखा गया है चलिए सुभाष लांडे जी संतोष कुमार जी अर्जन भाई चौहान कार्तिक तो इस तरह से आपको भागवत महापुराण भी बहुत रहस्यमय है हम तो बस भागवत कहीं सुनते हैं तो कुछ कथाएं सुना दी जाती हैं कृष्ण जन्म की कथाएं कृष्ण लीला ध्रुव प्रहलाद की कथाएं लेकिन कपिल व्याख्यान है और दूसरे कई व्याख्यान हैं जिसमें कि अनेक गुण रहस्य छुपे हुए हैं योग रहस्य बताया गया है अध्यात्म रहस्य सांख्य रहस्य को बताया गया है लेकिन जब आप कथा सुनते हैं तो कथावाचक कभी उन रहस्यों को प्रकट नहीं करते कथावाचक अपनी कथाओं में कभी उन रहस्यों को प्रकट नहीं करते यही दुर्भाग्य है राम कथा होती है रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मज्ञान की चर्चा पर बहुत समय दिया है लेकिन राम कथा करने वाले चौपाइयां तो पढ़ेंगे लेकिन वो आत्मज्ञान की महिमा कब लाई या जो फिल्म बनाते हैं जो फिल्म बनाने वाले हैं राम पर रावण पर क्या वो कभी आत्मज्ञान का विषय भी अपने फिल्मों में ले आते हैं क्या कथावाचक लोग कभी आत्मज्ञान का विषय भी अपनी कथा में बोलते हैं नहीं बोलते चढ़ावा कौन लाएगा उनको डर रहता है कि आत्मज्ञान सिखाएंगे तो हमको दान दक्षिणा कौन देगा और सबसे पहली बात सिखाने के लिए वो आत्मज्ञान किसी को बता पाए खुद जानेंगे तब तो बताएंगे जिस विषय का खुद ही अनुभव नहीं जिस विषय का खुद ही ज्ञान नहीं उसे प्रवचन में कहां से सुनाएंगे तो यह भी समस्या है कथावाचकों के साथ रामचरित मानस तो आत्मज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं आप पागल बनना चाहते हो और आप पागल बनते हो भगवान के मंदिर में भी जाते हो संतों के पास भी जाते हो कथावाचकों के पास भी जाते हो तो संसार ही जाते हो माया ही तो मांगते हो आत्मज्ञान कहां मांगते हो एनलाइटमेंट कहां मांगते हो सुभाष लांडे जी जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन योग नहीं छोड़ना चाहिए जी हां ये तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं यदि योग मार्ग पर चलते हुए तुम्हारा नुकसान भी हो तो भी योग का त्याग नहीं करना चाहिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन योग का कोई लेना देना नहीं है जीवन में जो भी हो रहा है उससे योग का कोई लेना देना नहीं ध्यान योग का कोई लेना देना नहीं तो कर्मों का फल मिलता है दुख आता है सुख आता है उल्टे अगर नियमित रूप से ध्यान योग करेंगे ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर कर कोर्स पूरा कर कर सीख कर विधिपूर्वक जब ध्यान योग करेंगे जीवन में दुख आएगा संताप आएगा तो उसको सहने की शक्ति ही बढ़ेगी और उल्टा वो दुख कम महसूस होगा दुख तो आएगा ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए रोए बस यही डिफरेंस आ जाएगा जब आप ध्यान योग करोगे तो दुखों का सामना करने की क्षमता आ जाएगी और दुखों की जो आपकी दुखों की जो धार है उसकी जो शार्पनेस है वो खत्म हो जाएगी वो आपको उतना दुखी नहीं कर पाएंगे वो उतना आपको काट नहीं पाएंगे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आपको आएगा दुख लेकिन आप उसको ज्ञान से समझोगे विवेक से समझोगे भागोगे नहीं चिल्लाओगे नहीं रोओगे नहीं तड़पड़ाओगे नहीं तड़पोगे नहीं तो ध्यान योग अपने आप दुखों को सहने की शक्त, शक्ति दे देता है जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन योग को नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए सही बात है तो ध्यान योग करना चाहते हैं आप 20 जुलाई से एक महीने का कोर्स शुरू हो रहा है जुपिटर तो पूछ रहे थे जुपिटर मेंबरशिप सन मेंबरशिप क्या है देखिए अगर आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर कोर्स मिलेगा ट्रांसेंडेंटल अतेंद्रिय ध्यान भावातीत ध्यान के ऊपर कोर्स मिलेगा स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर भी कोर्स मिलेगा अगर आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं अगर आप सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको दो कोर्स गाइडेड मेडिटेशन एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ये दो कोर्सेज आपको मिलेंगी अगर आप सन मेंबर तीसरा जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो आपको नहीं दिया जाएगा सन मेंबरशिप में और जुपिटर मेंबरशिप में गाइडेड एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यही अट स्पिरिचुअल हीलिंग जुपिटर में तीनों मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और सन में आपको स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं मिलेगा ओनली गाइडेड एंड ट्रांसेंडेंटल मिलेगा ठीक है तो ये जुपिटर और सन के बीच में डिफरेंस है तो आप ध्यान योग का कोर्स इस नंबर पर जो नंबर मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन या यहाँ फोटो में भी लिखा है नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर कर आप डिटेल्स ले लीजिए कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए इसके साथ साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर सकते हैं इसके साथ साथ आप फिलोसॉफी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को हम विराम की ओर ले चलते हैं आप सभी से विदा लेते हैं कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में सभी को ओम तत्स